हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मछली स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, पर कुछ लोगों को मछली ही नहीं, मछली का अंडा भी बहुत पसंद होता है। फिश एग से बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज भी बनता है, पर क्या आपको पता है कि फिश एग सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है? तो चलिए जान लेते हैं कि फिश एग में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। फिश एग में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी ओमेगा 3 फैट होता है। ये ओमेगा 3 फैट सप्लीमेंट से भी अच्छी क्वालिटी का होता है। इसमें विटामिन डी पाया जाता है, जो भी सप्लीमेंट से बेहतर क्वालिटी का पाया जाता है। इसमें विटामिन B12 होता है, जो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। फिश एग में थोड़ी मात्रा में सेलेनियम होता है, जो भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसमें मैग्नीशियम, आयरन और थोड़ी मात्रा में कैल्शियम भी होता है। ये तो थे फिश एग में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स। अब जान लेते हैं ये किस तरह सेहत के लिए फायदेमंद है। नंबर 1, फिश एग में विटामिन ए पाया जाता है, जो आँखों को स्वस्थ रखती है। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए फिश एग खाना जरूरी है। नंबर 2, फिश एग खाने से खून साफ होता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, इसलिए एनीमिया का खतरा कम हो जाता है। नंबर 3, फिश एग खाने से हड्डियाँ मजबूत होती है, क्योंकि इसमें विटामिन डी होता है। जिन्हें हड्डियों से जुड़ी समस्या है, उन्हें मछली का अंडा खाना चाहिए। नंबर 4, इसमें विटामिन डी और थोड़ी मात्रा में कैल्शियम होती है, जो दांतों को मजबूत बनाती है। दांतों की समस्या से बचने के लिए मछली का अंडा सहायक है। नंबर 5, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 दिल को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। ओमेगा 3 हार्ट अटैक के खतरे को कम करती है, साथ ही स्किन को भी सुंदर बनाती है। नंबर 6, फिश एग खाने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से भी राहत मिल सकती है। नंबर 7, फिश एग में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है, जो रेड ब्लड सेल को बनने में सहायता करती है, जिससे एनीमिया का खतरा कम हो जाता है। विटामिन B12 याददाश्त को बढ़ाने में भी सहायक है, साथ ही ऊर्जा भी प्रदान करती है। फिश एग खाने से ये सारी समस्याएं दूर हो सकती है। ऐसे तो फिश एग खाने का कोई साइड इफेक्ट का अब तक पता नहीं चला है, पर अधिक मात्रा में फिश एग खाने से इनडाइजेशन, लूज मोशन, मुंह से फिश का स्मेल आना, वॉमिटिंग जैसा लगना इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। तो मछली का अंडा खाइए और स्वस्थ रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा।